अगर आप एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या आपका पहले से कोई बिजनेस है और आप उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन अगले 5 सालों तक के लिए ले सकते हैं। इस लोन की खास बात यह है कि इसमें आपको कोई प्रोसेसिंग फीस या कोई गारंटी नहीं देनी होती है, यानी बिना किसी गारंटी और बिना किसी प्रोसेसिंग चार्ज के आपको ये लोन दिया जाता है। इस लोन में आपको नॉर्मली 12% तक का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मुद्रा योजना के तहत कितने टाइप्स के लोन दिए जाते हैं, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं और साथ ही मुद्रा योजना के तहत लोन लेने का क्या प्रोसेस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मुद्रा स्कीम में आपको 3 टाइप्स के लोन दिए जाते हैं। शिशु लोन, जिसमें आपको 50,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है, ये एक छोटे स्टार्टअप के लिए सही रहता है। किशोर लोन, जिसमें आपको 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, अगर आप पहले से कोई बिजनेस करते हैं और आप उस बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो ये लोन सही रहता है। तरुण लोन, जिसमें आपको 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, अगर आप एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये सही रहता है। चलिए हम बात करते हैं कि मुद्रा लोन लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं। नंबर फर्स्ट, आपको देना होता है एक आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या अपना पासपोर्ट लगा सकते हैं। नंबर सेकंड, आपको देना होता है एड्रेस प्रूफ, जिसमें आप बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, प्रॉपर्टी टैक्स, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड या बैंक की पासबुक या डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। नंबर थर्ड, आपको देना होता है बिजनेस का प्रूफ, जिसके लिए बिजनेस का सर्टिफिकेट, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं जो आपके बिजनेस की एग्जिस्टेंस, एड्रेस और ओनरशिप को प्रूफ करे। नंबर फोर, आपको सभी बिजनेस ओनर्स और पार्टनर्स के 2-2 पासपोर्ट साइज फोटो लगाने होते हैं। नंबर फाइव, आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा अगर आप SC/ST या OBC कैटेगरी में आते हैं। और नंबर सिक्स, आपको अपने बैंक का पिछले 6 महीनों का स्टेटमेंट भी लगाना पड़ेगा। इसके अलावा भी बैंक आपसे कोई और डॉक्यूमेंट मांग सकता है, जैसे कि ITR या फिर बैलेंस शीट एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं कि मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कैसे करें। मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करने से पहले आपको ये चेक करना होगा कि जिस बैंक में आप अप्लाई कर रहे हैं वो मुद्रा लोन के तहत लोन देने के लिए एलिजिबल है या नहीं। ये चेक करने के लिए मेरे पास एक लिस्ट है, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इसको डाउनलोड करेंगे और इसमें आप चेक कर सकते हैं पब्लिक सेक्टर के कौन कौन से बैंक्स मुद्रा लोन के तहत लोन देते हैं, उनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। नीचे आएंगे, प्राइवेट सेक्टर के कौन कौन से बैंक्स मुद्रा लोन के तहत लोन देते हैं, उनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। मुद्रा के तहत कितने ग्रामीण बैंक्स लोन देते हैं, उनकी लिस्ट यहाँ पर है। और नीचे यहाँ पर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट है, जो मुद्रा लोन के तहत आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद आप उस बैंक में जाएंगे जहाँ पर आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, वहाँ पर आपको एक मुद्रा फॉर्म दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास पंजाब नेशनल बैंक का फॉर्म है। इस फॉर्म को आपको हिंदी या इंग्लिश किसी एक लैंग्वेज में फिल करना होता है। यहाँ पर ब्रांच का नाम डाल देंगे, नीचे आएंगे यहाँ पर आप इंटरप्राइज का नाम डालेंगे, मतलब जो भी बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं या आपने स्टार्ट किया हुआ है उसका नाम क्या है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन चूज कर लेंगे, प्रो है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है या लिमिटेड कंपनी है या कोई और है। नीचे यहाँ पर आप अपने बिजनेस का पूरा एड्रेस डालेंगे, यहाँ पर स्टेट, पिन कोड, और यहाँ पर आप चूज करेंगे रेंट पर है या अपना है। अगर रेंट पर है तो आपको रेंट एग्रीमेंट लगाना होगा, और अगर आपका अपना है तो आपको ऑनरशिप का कोई प्रूफ लगाना होगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डाल देंगे, नीचे आएंगे आपने ये बिजनेस कब स्टार्ट किया था यहाँ पर डालेंगे, आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है या नहीं यहाँ पर चूज करेंगे, कहाँ से रजिस्टर्ड है उसकी डिटेल आप यहाँ पर देंगे। अगर आपका कोई रजिस्टर्ड ऑफिस है तो उसका एड्रेस आप यहां पर देंगे। आप किस कैटेगरी में आते हैं, SC/ST/OBC यहां पर चूज करेंगे, आपका रिलीजन क्या है यहां पर चूज करेंगे। नीचे आएंगे यहां पर आप अपने प्रोप्राइटर, पार्टनर्स और डायरेक्टर्स की डिटेल्स देंगे, यहां पर नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहां पर लिंक, यहां पर एड्रेस और मोबाइल नंबर, क्वालिफिकेशन और साथ ही कितना एक्सपीरियंस रहा है यहां पर आप लिख देंगे। नीचे आएंगे अगर आपके कोई एसोसिएट्स हैं तो उनकी डिटेल्स आप यहां पर देंगे।
करंट में अभी आप किस बैंक के साथ काम कर रहे हैं, किस बैंक में आपका खाता है, उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर दे देंगे। नीचे यहाँ पर डिक्लेरेशन आ जाएगा कि जो कुछ भी डिटेल्स मैंने दी है वो सब सही है, ये बात मैं प्रमाणित करता हूँ, कोई भी चीज़ झूठ नहीं दी गई है। और नीचे यहाँ पर आपको फोटोज़ लगाने होंगे, यहाँ पर आप प्रोप्राइटर्स, पार्टनर, डायरेक्टर के फोटोज़ लगाएंगे और यहाँ पर डेट और प्लेस डालेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और ये है एक्नॉलेजमेंट स्लिप। बैंक में जब आप फॉर्म जमा कर देंगे तो उसके बाद ये स्लिप आपको दे दी जाएगी, जिससे आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि आपने लोन के लिए अप्लाई किया है। एक बार जब आप मुद्रा स्कीम के तहत लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं तो अगले 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आपको लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो साथ में आपको रीजन भी बताया जाता है कि आपकी एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट की गई है। लोन लेने में काफी सारी प्रॉब्लम्स भी आती है, तो यहाँ पर एक PDF फाइल है जिसमें यहाँ पर सभी टोल फ्री नंबर लिखे हुए हैं। जैसे कि अगर आप यूपी से हैं तो यूपी का टोल फ्री नंबर ये है, आप हेल्पलाइन पर कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। दूसरे यहाँ पर नोडल ऑफिसर्स की मेरे पास एक लिस्ट है, इसका लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने नोडल ऑफिसर से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर उसकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन, नाम, एड्रेस सभी दिया गया है। लोन में कोई भी प्रॉब्लम आने पर आप इनसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एक बार अगर आपका लोन पास हो जाता है तो 90% अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है और 10% का आपको एक कार्ड दिया जाता है जिसको मुद्रा कार्ड कहा जाता है। ये क्रेडिट कार्ड की तरह से होता है, जब भी आपको जरूरत पड़े आप इससे पैसे खर्च कर सकते हैं। सरकार कोई भी हो, जो भी स्कीम वो बनाती है, इनिशियली वो स्कीम काफी अच्छी होती है और जनता के फायदे के लिए होती है, लेकिन कुछ करप्ट और बेईमान लोगों की वजह से वो स्कीम फेल हो जाती है। मुद्रा योजना स्कीम के साथ भी यही हो रहा है। अगर आप किसी बैंक में जाएंगे मुद्रा योजना के तहत लोन लेने के लिए तो बैंक वाले आपके साथ ऐसा बिहेव करेंगे जैसे कि आपको कोई छुआछूत की बीमारी हो। अगर आपके लक से आपको कोई अच्छा बैंक मिल गया, बैंक का मैनेजर सही हुआ, तो ये लोन लेने में आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको कोई खराब बंदा मिल गया तो वो आपको इतना टॉर्चर करेगा कि आपको मुद्रा योजना के नाम से भी नफरत होने लगेगी। तो ये एक पूरा प्रोसेस है मुद्रा योजना के तहत लोन लेने का। बाकी आपके लक पर डिपेंड करता है कि बैंक मैनेजर आपको टॉर्चर करता है या फिर आसानी के साथ आपको लोन प्रोवाइड कर देता है। एक बार जब आपको लोन मिल जाता है तो आपको हर महीने EMI के थ्रू उस लोन को पे करना होता है। जब आपको लोन मिलता है तो आपको EMI चार्ट भी मिल जाता है जिसमें लिखा होता है कि आपको हर महीने कितना प्रिंसिपल और कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और EMI पे करने के बाद आपका कितना अमाउंट बाकी रह जाता है। सो गाइज, आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर मुद्रा योजना के तहत आपने कभी लोन के लिए अप्लाई किया है तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, आप कॉमेंट करके मुझे जरूर बताएं।